व्हाट्सएप में किसी पर्सन ने मैसेज भेज कर एंड उसे कर दिया है डिलीट और उसे लाना है आपको वापस, तो कैसे लाओगे? इसे जानने के लिए वीडियो में क्लिक किया हो ना, तो वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन मिलने वाले हैं, लेकिन शर्त ये है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। और अगर बीच से ही छोड़कर चले जाओगे फिर मैसेज रिकवर्ड नहीं होता है तो फिर मुझे मत कहना, ठीक है? तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैसेज के साथ साथ जो वीडियोज फोटोज वो सब कुछ रिकवर करके दिखाने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक जरूर देखना, ठीक है? स्टार्ट करता है वीडियो का, सब्सक्राइब भूलना मत, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखो उसके लिए यहाँ पर करना क्या, आपको यहाँ पर व्हाट्सएप ओपन करना है, ठीक है? एंड व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से सबके सामने फेस नज़र आएगा, इसकी जो इंटरफेस। एंड यहाँ पर जो थ्री डॉट मिलता है ना, थ्री डॉट में बस आपको टैप कर देना है, राइट? एंड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सेटिंग, सेटिंग में बस यहाँ पर आपको टैप कर देना है। यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है, पहले उस सेटिंग को ऑन करना होगा, देन उसके बाद की नेक्स्ट जो प्रोसेस जो सिस्टम है वो बताऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पर सेटिंग में आपको दिखाई दे रहा होगा स्टोरेज एंड डेटा। स्टोरेज एंड डेटा में जैसे ही क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पर देखो कुछ इस टाइप की यहाँ पर खुल कर आ जाता है। तो यहाँ पर देखो मीडिया ऑटो डाउनलोड जो सिस्टम है, यहाँ पर देखो व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा। अब जैसे ही आप इसमें टाइप करते हो ना, तो कुछ इस टाइप की यहाँ पर आपको दिखने वाला है। यहाँ पर देखो व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, इन सारे जो सिस्टम है इसे यहाँ पर ऑन करके रखना है। मतलब यहाँ पर देख पा रहे हो जैसे कि ये फोटोज़ है, ऑडियो है, ठीक है? एंड यहाँ पर जो वीडियो है और डॉक्यूमेंट्स, इन सबको यहाँ पर टिक करके एंड ओके करना है, क्योंकि ये हमें ऑटो डाउनलोड सिस्टम चाहिए, ठीक है? बताऊँगा क्यों लास्ट में वो, तो आपको यहाँ पर पहले इस सारे सिस्टम को देख लो, सारे सेटिंग को। एंड यहाँ पर देखो आपको नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है? व्हेन यूजिंग, आपके अगर वाईफाई से भी आप अगर व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो तो यहाँ पर इसे भी सबको टिक करके ओके कर देना, ठीक है? अगर आपको मैसेज रिकवर करना है तो देन यहाँ पर आपको और एक इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पर बता देता हूँ। देखो फोटो अपलोड क्वालिटी, ये बाय डिफॉल्ट हमेशा ऑटो रहता है, तो आपको यहाँ पर बस इसे कर देना है बेस्ट क्वालिटी में सेट। यहाँ पर देख पा रहे हो ना, बेस्ट क्वालिटी सेट करने से आप किसी को भी कोई फोटो भेजते हो तो उसकी क्वालिटी जो है वो कम नहीं होगा, एक अच्छा क्वालिटी एंड एचडी क्वालिटी में वो फोटो जाने वाला है। एंड जो काफ़ी हद तक देखा गया कि रिसीव भी जो होता है ना, वो भी अच्छी क्वालिटी में ही यहाँ पर रिसीव होता है। पर्सन करता है डिपेंड उसने अगर इस सेटिंग को ऑन किया है या नहीं किया, बट आप यहाँ पर ऑन करके रखो तो फोटोज़ क्लियरिटी जाने वाला है, ठीक है? हाँ थोड़ा बहुत एमबी लग सकता है लेकिन फोटो अच्छा जाएगा, क्लियर जाएगा। ये सारे सेटिंग को यहाँ पर ऑन कर देना है। एंड हमें अपने सारे मैसेज एंड फोटोज़ को रिकवर करने के लिए, वीडियो भी इंक्लूड है, तो उसे करने के लिए हमें एक छोटी सी एप्लीकेशन का जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है? और वो एप्लीकेशन यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ प्ले स्टोर में, ना कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट में। एंड प्ले स्टोर में आपको प्ले प्रोटेक्शन के साथ मिलता है, तो आप इजीली यहाँ पर इसे इस्तेमाल कर सकते हो। देखो यहाँ पर इसकी नाम जानकर यहाँ पर मत चले जाना, इसकी सेटिंग को आपको समझना होगा, देन इसे कैसे रिकवर होता है मैसेज उसे जानना होगा। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है WAMR, ठीक है? यहाँ पर आप इसकी जो आइकॉन है उसे यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी लोगों ने इसे डाउनलोड भी किया है लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं जानते हैं। आप यहाँ से अगर छोड़कर चले जाते हो फिर मैसेज रिकवर नहीं होता है, तो आप मुझे ही कॉमेंट करोगे। तो आप यहाँ पर इसकी सारी देख लो कि इसकी सेटिंग कैसे करना पड़ता है, कैसे मैसेज रिकवर होता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके के एप्लीकेशन आपको मिलता है, एंड यहाँ पर आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। एंड मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसे ओपन करता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ परमिशन है जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से एक्सेस देना होगा। तो यहाँ पर देखो आपको नेक्स्ट करना है, ये जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है इसमें आपको टैप करना है। अब यहाँ पर देखो आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो सारी चीज़ की यहाँ पर रिलेटेड चीज़ को रिकवर करता है। यहाँ पर मेनली जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा आपके मोबाइल में सारे यहाँ पर एप्लीकेशन खुलकर आ जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर तो व्हाट्सएप के चाहिए ना, तो हमें व्हाट्सएप के रिकवर करना है अपने मैसेज वीडियो फोटोज, तो इसे यहाँ पर टिक करता हूँ, यहाँ पर इसे नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है? तो देखो कुछ इस टाइप की यहाँ पर इसकी जो बताया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर बस नेक्स्ट कर देना है। एंड यहाँ पर जो रिमेंबर थिंकिंग जो आप चाहो तो यहाँ पर पढ़ सकते हो, या फिर आप यहाँ पर इसे नेक्स्ट करना है। एंड यहाँ पर ये जो कुछ मेन सेटिंग है यहाँ पर आपको ऑन करना है। देखो यहाँ पर इनेबल में आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पर WAMR जो है ना इसे यहाँ पर आपको टिक कर देना है, मतलब ऑन कर देना है, ठीक है? अब उसे करने के बाद आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर मल्टीमीडिया जो फाइल्स है यहाँ पर इसे आपको अलाउ करना है, तो देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अलाउ होगा। एंड यहाँ पर नोटिफिकेशन रीडर, ठीक है? इसे जैसे टैप कर दो, यहाँ पर तुम्हें फाइंड करना है WAMR जो उमर है उसे यहाँ पर ऑन कर देना, एंड यहाँ पर इसे अलाउ कर देना, ठीक है? अब देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सब कुछ ऑन करने के बाद यहाँ पर ये तो इनेबल हो ही गया, तो यहाँ पर बैक करता हूँ एंड यहाँ पर इसे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है? यहाँ पर आप चाहो तो पढ़ो या फिर इसे नेक्स्ट कर देना। देखो यहाँ पर इसकी जो सेटिंग है ना वो सेटिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुका है। एंड अब बात आता है हमारा मैसेज रिकवर कैसे होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पास ये वाला मोबाइल है, एंड यहाँ से मैं इस वाले जो ये वाला मोबाइल देख रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं मैसेज करूँगा एंड यहाँ से उस मैसेज को डिलीट कर दूँगा इस वाले मोबाइल से, फर्स्ट वाले, और यहाँ पर देखता हूँ कि मैसेज रिकवर होता है कि नहीं। आप भी देखो यहाँ पर लाइव बिल्कुल, हाँ। तो यहाँ पर देखो जैसे मैंने हेलो लिखा, ठीक है? एंड यहाँ पर इस मैसेज को मैं हाय हेलो को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फॉर एवरीवन, ठीक है? अब देखो जैसे ही मैंने डिलीट फॉर एवरीवन किया एंड अपना यहाँ पर का व्हाट्सएप ओपन करता हूँ,
और यहाँ पर देखो जैसे मैसेज में आप यहाँ पर नोट करके रखना हेलो एंड हाय एंड हेलो भेजा तो वो यहाँ पर मैसेज दिखाई दे रहा है डिलेटेड, ठीक है, मैसेज वाज डिलेटेड, लेकिन हमारा जो मैसेज है रिकवर हो चुका है। यहाँ पर फिर अगेन एक मैसेज कर रहा हूँ, ये देख पा रहे हो, रैंडमली कुछ भी एक मैसेज भेज दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये भी मैसेज मैं कर देता हूँ डिलेट एंड यहाँ पर शो हो रहा है बिल्कुल क्लियर यहाँ पर डिलेट है, लेकिन हमारा मैसेज रिकवर हो चुका है। तो देखो उन सारे डिलेटेड मैसेज को रीड करने या पढ़ने के लिए कहाँ पर जाना होगा उस एप्लीकेशन में, एंड ऑब्वियस उस एप्लीकेशन में यहाँ पर सब कुछ ये देख पा रहे हो बिल्कुल, यहाँ पर ऊपर भी आपको आ जाता है कि देखो जी RDS डिलेटेड मैसेज, जो कि मैसेज यहाँ पर डिलेट है वो सारे मैसेज यहाँ पर रिकवर हो चुका है एंड आप उसे यहाँ पर ईजिली रीड कर सकते हो, ठीक है, और इस तरीके से आप मैसेज रीड कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया मीडिया फोटोज़ वीडियो उसे कैसे यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो अगर डिलेटेड कोई कर देता है तो, देखो उसके लिए यहाँ पर अटैचमेंट में जाना है, मतलब कोई भी आपको भेज रहा है मतलब, ठीक है, फोटो, और यहाँ पर देखो जैसे कि ये अगर दो फोटो यहाँ पर मैं भेज रहा हूँ आपको, मान लो कोई भी आपको भेज रहा है कोई पर्सन कुछ इसी तरीके से भेजेगा ना, एंड यहाँ पर उसे भेजने के यहाँ पर सेंड कर देता है, ठीक है, और अगर मैसेज यहाँ पर देख लो यहाँ मैसेज सेंड हो चुका है एंड मैसेज आ गया, यहाँ पर मैं इसे ओपन नहीं कर रहा हूँ लेकिन हमारा जो ये फोटो है वो रिकवर हो जाएगा। देखो कैसे होगा, यहाँ पर जैसे मैंने ये वाला भेज दिया है एंड यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, वैसे जो भी पर्सन है उसे भेजेगा फटाक्स एंड उसे डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है, लेकिन जो मैसेज उसने भेजा है वो मैसेज यहाँ पर रिकवर हो चुका है, मतलब वो फोटो, ठीक है, इसी तरीके वीडियो भी सेम काम करता है। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं अपने इस वाले मोबाइल में व्हाट्सअप खोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर देखो व्हाट्सअप में जो मैसेज है वो डिलीटेड दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने अभी जो भेजा था फोटो वो बिल्कुल आपने देखा था यहाँ पर क्लियर, एंड देखो उसे यहाँ पर हमें ओपन करने के लिए उसी एप्लीकेशन में यहाँ पर जाना है, एंड यहाँ पर देखो जैसे कि ये ऊपर दिखाई दे रहा है ना कि फोटो को जो आइकन दिखाई दे रहा है इसमें मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पर देखो फोटो भेजा गया, लेकिन फोटो देखने के लिए इस साइड स्लाइड करूँ यहाँ पर देखो बिल्कुल क्लियरली वही फोटो एंड अच्छे क्वालिटी में भी आ चुका है, और यहाँ पर ये एक नहीं दोनों फोटो मैंने भेजा था तो यहाँ पर देखो दोनों फोटो बिल्कुल अच्छी तरीके से आ चुका है। आप चाहो तो इसे यहाँ पर इस तरीके से डाउनलोड का जो आइकन मिलता है इसे डाउनलोड भी कर सकते हो जो गैलरी में सेव हो जाएगा एंड यहाँ से आप उसे शेयर भी कर सकते हो। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि इस एप्लीकेशन का इंस्टॉल अगर आपके मोबाइल में रहेगा तभी आप सारे मैसेज एंड फोटोज़ को रिकवर कर सकते हो, तो अगर आप चाहते हो कि इस टाइप की मैसेज रिकवर करना तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो एंड यूज़ कर सकते हो। और अभी तक आपको नहीं पता है कि 2022 की सबसे टॉप हिडन फीचर्स व्हाट्सएप में कौन कौन सी है उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, एंड अपने व्हाट्सएप में बैकग्राउंड को कैसे चेंज किया जाता है उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। बाकी चैनल में तो सब्सक्राइब करके ही जाना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।